हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीसीएस एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीएस की क्लास। कल की क्लास आपकी हो नहीं पाई थी, कुछ इमरजेंसी कारण आ गया था उसके वजह से, बट कल वाले क्लास को ही आज हम कंटिन्यू करेंगे। कल भी जीएस का ही थंबनेल आपने देखा होगा, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। 4 to 5 आज का थोड़ा सा शिफ्टिंग चेंज हो गया है, तो ऐसे कभी भी हुआ करे तो आप 2 शिफ्ट मेरा देख सकते हैं, 8 से 9 लगा रहेगा या फिर 4 to 5 PM होगा, ठीक है। तो इन दोनों शिफ्ट में ही आप एक बार, अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं भी मिलता है तो आप इन दो टाइम में जाकर चेक कर सकते हैं अगर आपको क्लासेस देखनी हो तो। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? देखो, आप एग्जाम देने जाते हो जब टीचिंग का, तो उसमें कहीं ना कहीं आपका जो सिलेबस होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करना जरूरी हो जाता है। आंसर कीजिए। कैफे शैफे, हेलो इंडियन एनसीसी, गुड इवनिंग आप सभी को, वेरी गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं, इसका आंसर क्या होगा? जिराफ, मूट, कंगारू, कंगारू, चूहा। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा, कैमल, कैमल नहीं होगा, कैमल इसका राइट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कंगारू, चूहा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब यहां पर जान लेते हैं कंगारू चूहा क्यों। तो यहां पर जो कंगारू है, कंगारू रैट है, इसके कुछ कारण होते हैं, कुछ इसकी विशेषताएं होती हैं। ये होता क्या है, कारण क्या होता है? अनुकूलता और उसके उत्सर्जन तंत्र जो होते हैं, उसके ब्रिक की जो बनावट होती है, उत्सर्जन तंत्र की जो बनावट होती है, वो इस तरीके से उसके अनुकूल हो जाती है, यानी कि जो भी उसको एनवायरमेंट दे दिया जाए उसी के अनुकूल वो अपने आप को ढाल लेता है। तो उसको विशेषता की आवश्यकता नहीं पड़ती। और ऐसा माना जाता है कि इसके जो गाल होते हैं ना, गाल के अंदर कुछ गलफड़ा टाइप का होता है, यानी कुछ सॉलिड एक थैली की तरह होता है, बैग की तरह होता है, जिससे हम लोग कैरी बैग उठाते हैं, उसी तरीके से इनके मुंह के पास, गाल के पास कुछ कैरी बैग की तरह होता है, आप ऐसे सिंपली समझ सकते हो। उसमें ये अपना जो पानी है, भोजन है, वो अपना इकट्ठा करके रखते हैं एक लॉन्ग टाइम के लिए, ऐसा माना जाता है। और इनकी जो बनावट होती है वो लगभग कंगारू की तरह होती है, यानी इनका पैर वगैरह की बनावट आप देखेंगे तो लगभग कंगारू की तरह होती है। इनके जो पूंछ होते हैं, आपको थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखनी है कि वो अपेक्षाकृत शरीर से काफी लंबी होती है, यानी जितना शरीर का लंबाई होता है उससे थोड़ा ज्यादा इनके पूंछ की लंबाई होती है, टेल की लंबाई होती है। ये सारी चीजें इनके बारे में जानना जरूरी था। इनकी संरचना एक विशेष तरीके का होता है, जिसके कारण ये अपनी कार्य प्रणाली को अंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये याद रखना है, कंगारू, चूहा। डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? आंसर कीजिए, कस्तूरी मृग, गोल्डन ओरियोल, एलो थ्रोटेड मॉर्टन, हंगूल या कश्मीरी स्टैग। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहां पर देख लेते हैं राइट आंसर इसका क्या है, हंगूल या कश्मीर स्टैग। देखो, डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहां पर है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो ये कश्मीर में है, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में है। तो यहां पर ये जो तीनों चीजें हैं ना, ये भी, ये सभी कश्मीर में पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये राइट क्यों है, क्योंकि कुछ चीजें होती है जहां पर सब कुछ पाया जाता है, जैसे यूपी में आपको सारी चीजें मिलती है, लेकिन फिर भी यूपी किसी एक एक चीज के लिए फेमस हो जाता है ना। उसी तरीके से कस्तूरी मृग भी यहां पर मिलता है, यानी डाचीगम में पूछा जाए कस्तूरी मृग मिलता है, बिल्कुल मिलता है। गोल्डन ओरिवाल भी मिलता है, येलो थ्रोटेड मार्टिन भी मिलता है, लेकिन हंगुल या कश्मीरी स्टैग इसकी प्रमुखता है, यानी इसके लिए ही डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है। क्लियर हो गया होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2। आगे बढ़ेंगे, यहां का राइट आंसर था क्या, डी ऑप्शन इसका सही था। ये समझ गए होंगे आप सभी, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सभी राष्ट्रीय उद्यान सभी जो है वो डाचीगम में पाया जाता है, कस्तूरी, गोल्डन, येलो और हंगुल। लेकिन यहां पर पूछा है किससे संबंधित है या किसके लिए, यहां पर संबंधित नहीं। अगर विशेषता की बात की जाए किससे संबंधित है, सबसे ज्यादा संबंधित है हंगुल या कश्मीरी स्टैग के लिए। 4 ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर करना होगा, व्हेन इज द वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे सेलिब्रेटेड? मार्च 22, मई 22, जून 23, अप्रैल 16। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का? क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही जवाब बताना है। देखो मई तो सारा है, मतलब 22 मार्च 22 यहाँ पे मई है, तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। मई में मनाया गया यानी मई 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैव विविधता दिवस क्यों मनाया गया, तो आप समझ सकते हो बायोडायवर्सिटी के क्षेत्र में आपकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए यूएन द्वारा यानी यूनाइटेड नेशन द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर हो गया? जितने भी जैव विविधता संबंधी मुद्दे होते हैं उन सभी मुद्दों पर जागरूकता की समझ, आपकी जागरूकता कैसे बढ़ सकती है, आपकी जो सोच है वो सब कैसे है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा, अगर कोई डेट एक डिसाइड हो जाता है ना, तो स्पेसिफिकली क्या होता है कि बाकी सालों भर कोई कुछ काम करे चाहे ना करे, लेकिन उस डेट पे लोग जरूर काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मदर्स डे, फादर्स डे और जो भी होते हैं डेज, तो आप लोग स्पेशली मदर्स फादर्स डे मनाते हो। क्यों? क्योंकि आप एक सम्मान व्यक्त करते हो। वैसे ही क्या होता है बायोडायवर्सिटी या कोई भी डेज इसलिए मनाया जाता है क्योंकि सबसे फर्स्ट क्या होता है कि आपका ध्यान आकर्षित करना उस फील्ड की ओर। क्लियर? कब मनाया गया था? 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस घोषित किया गया था, ये आपको याद रखना है। यूएन द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, यूनाइटेड नेशन द्वारा। निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? सर्वाधिक सांद्रता मिलती है, ये नहीं होगा, सर्वाधिक की सांद्रता मिलती है नहीं है, सर्वाधिक सांद्रता मिलती है। आंसर कीजिए ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। यहां पर दो चीज ध्यान रखना है, ये जो आपको इंग्लिश मीनिंग लिखा है इसी को यहां पर हिंदी में देवनागरी लिपि में लिख दिया गया है, लेकिन कभी कभी इसका नाम इस तरीके से ज्यादातर आजकल एग्जाम में आने लगा है, लेकिन आपको याद रखना है ट्रोपोस्फेयर क्या होता है, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ये होता है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर को जो सबसे निचला परत होता है जिसे हम कहते हैं क्षोभ मंडल, मेसोस्फेयर क्या होता है मध्य मंडल, मेसो मध्य मंडल। क्लियर? स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है समताप मंडल, समताप मंडल। एक्सोस्फेयर क्या होता है वाह मंडल, एक्सो मतलब वाह, वाह मंडल। क्लियर हो गया? अब इसमें अब यहां पर आंसर आप देख पाएंगे, फोर का सी बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, फोर का सी करेक्ट है, स्ट्रेटोस्फेयर। यहां पर आपको ये ऑप्शन ना मिलके एग्जाम में समताप मंडल भी मिल सकता है, ये याद रखना है। और समताप मंडल का जो निचली सतह होता है, जैसे मान लो ये हो गया आपका क्षोभ मंडल, इसके ऊपर जैसे जाओगे फिर आपको मिलेगा समताप मंडल, इसके ऊपर जाओगे आपको मिलेगा मध्य मंडल, फिर आप ऊपर जाओगे आपको मिलेगा वाह मंडल, एक्सोस्फेयर। तो ये जो क्षोभ मंडल वाला भाग है और ये जो समताप मंडल वाला भाग है, तो समताप मंडल के निचले भाग में, निचले भाग में मिलता है। जब आपसे एग्जाम में पूछे कि समताप मंडल के कौन से लेयर में मिलता है, कौन से भाग में मिलता है, तो आपको यह भी याद रखना है कि उसके निचले भाग यानी क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर और स्ट्रेटोस्फेयर के जस्ट नीचे ही आपको मिलता है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर स्थित है? एम्स्टर्डम में, कैनबरा में, ओटावा में या नागासाकी में? आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा, 5 का सही जवाब क्या होगा? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर स्थित है? 5 का देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम कहां पर है यह भी आपको याद रखना है, नीदरलैंड में है, नीदरलैंड। कभी कभी आपसे जगह का नाम ना पूछकर पूरे कंट्री का नाम पूछ देता है एग्जाम में, तो आपको यह भी कंफ्यूज नहीं होना है। हो सकता है कैनबरा जैसे ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी कैनबरा, या ओटावा या नागासाकी आपको जापान दे दे यहां पर, तो इन सभी में यह क्या हो जाएगा, आपको नीदरलैंड याद रखना है, एम्स्टर्डम याद रखना है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल क्या है, एक गैर सरकारी, चीजें याद रखते चलना है, गैर सरकारी। यहां से भी क्वेश्चन पूछ देगा कि क्या ये स्टेटमेंट में आपको फॉरवर्डिंग दे दे, फॉर्मेटिंग दे देगा कि यहां पर क्या है,
क्या ये सरकारी संस्था है, गैर सरकारी संस्था है, या फिर किस तरीके का, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से भी फॉर्मेशन क्वेश्चन का बन सकता है। तो आपको याद रखना है कि जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल है ये एक गैर सरकारी संस्था है, गैर सरकारी संस्था है, और ये पर्यावरण के, पर्यावरण सुरक्षा हेतु कार्य करता है, पर्यावरण एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए ये कार्य करता है, गैर सरकारी संस्था है। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 पे। शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन मंत्रालय नाम कब दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि आप एजुकेशन अगर जा रहे हैं फील्ड में तो यहां से क्वेश्चन तो आपको मे भी बनता ही बनता है। तो ये चीज आपको याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर देखो क्वेश्चन कितनी टाइप से बन सकता है ये भी देख लेंगे। शिक्षा मंत्रालय मानव संसाधन मंत्रालय का नाम दिया गया, कब दिया गया? आपका आंसर यहां पर मैं बता दे रही हूं, 1985 में। किसके समय में दिया गया, ये जो है ना, किसके समय में, या फिर पूछ देगा कि इस समय प्रधानमंत्री कौन था, तो आपको यह भी याद रखना है, राजीव गांधी। कौन था? राजीव गांधी उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे जब शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन मंत्रालय का नाम दिया गया। ठीक है, अब यहां पर जो मानव संसाधन मंत्रालय का नाम दिया गया है, इसका फिर से नामकरण क्या हो गया है 2020 में, इसका फिर से नामकरण शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री मंत्रालय हो गया है। फिर इसमें पूछ देता है क्वेश्चन कि किसके सिफारिश पे इसका नाम शिक्षा मंत्रालय अभी दिया गया है, ये सारे क्वेश्चन यहां पर बन जाते हैं। क्लियर हो रहा है? हाँ, तो ये भी आपको याद रखना है ये सारी चीजें। शिक्षा मंत्रालय ऐसा नहीं कि जो अभी शिक्षा मंत्रालय बना है ये पहली बार ऐसा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं था। 1985 से पहले ये क्या था, इसका नाम शिक्षा मंत्रालय ही हुआ करता था। ये चीज याद रखना कि जब किसी भी चीज में बहुत सारी चीजें ऐड हो जाती हैं तो उसका एक नामकरण बड़ा कर दिया जाता है। जैसे इसमें उस टाइम पे जब 1985 में, आपको ऐसे याद रखना है कि इस टाइम आपका जो बाल विकास मंत्रालय है वो भी इसमें इंक्लूडेड था, उसके बाद और भी चीजें थी, शिक्षा मंत्रालय हो गया, लेबर का कुछ था, ये सारे बहुत सारे मंत्रालय थे जो एक साथ थे, इसलिए इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहते हैं, मानव संसाधन मंत्रालय विकास नहीं है, मानव संसाधन मंत्रालय नाम दिया गया। लेकिन जब धीरे धीरे जो चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है वो अलग हो गया, मानव संसाधन अलग हो गया, तो यहां पर सिर्फ एजुकेशन बच गया, तो इसलिए इसका नाम 2020 में फिर से शिक्षा मंत्रालय नामकरण कर दिया गया। क्लियर है आप सब? ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर दीजिए। अब यहां पर बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। एल्युमिनियम कंपनी कहां पर, यहां पर स्थिति बताना है, और यहां पर कहां पर है ये बताना है। ये सारे जो आपको वर्ड ए बी सी डी दिख रहे हैं यहां पर, ये एल्युमिनियम कंपनी का नाम है और यहां पर उसकी लोकेशन है यानी स्थिति है। बाल्को कहां पर स्थित है? हिंडाल्को, इंडियन एल्युमिनियम और नाल्को, ये सभी आपको कूट के माध्यम से स्टार्ट यहां पर सॉल्व करना है, कूट के माध्यम से आपको सही करना है। आंसर करिए। तो अगर आपको एक या दो भी पता होगा ना तो आप कर पाएंगे। जैसे आप यूपी के होंगे तो आप सभी को पता होगा कि हिंडाल्को कहां पे, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की किस जगह पे? रेणुकूट में पड़ता है, रेणुकूट हिंडाल्को। क्लियर है? हिंडाल्को उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में पड़ता है। अब चलिए, एक आपको मिल गया यानी कि बी का 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। तो हम क्या यहाँ पर बी का 4 देख पा रहे हैं? ए बी का 4 आपको 2 में मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी 2 में मिल रहा है। यानी आप सीधे सीधे क्या करेंगे, एग्जाम में 2 ऑप्शन को यहाँ पर कट कर देंगे, सीधे सीधे आप 2 ऑप्शन हटा देंगे। अब फिर से आपको कुछ एक देखना होगा, जैसे नाल्को देख लिया कि कहां पर ओडिशा में है, या फिर बाल्को देख लिया, बाल्को कोरबा बहुत बार पूछा जाता है, बाल्को कहां पे, कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है, ये भी आपको यहां पर याद रखना है, छत्तीसगढ़ शायद लिखा होगा, छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो यहां पर 1 का क्या हो गया, 2। अब आप यहां पर देखेंगे 1 का 2 कहां पर मिल रहा है, तो सिर्फ एक जगह मिल रहा है, यानी कि आप इसको भी कट करके और सीधे सीधे आंसर पे चले जाएंगे। क्लियर है? सी का
कार्बन आप यहाँ से अब मिला सकते हैं। इंडियन एल्यूमिनियम कहाँ पर है? हीराकुंड में। नालको कहाँ पर है? कोरापुट कंपनी, यहाँ पर ये चीज आपको याद रखना है। नालको कहाँ पे? कोरापुट कंपनी। अब एक चीज याद रखना आप, हीराकुंड कहाँ पर पड़ता है पहली चीज, तो हीराकुंड ओडिशा राज्य में पड़ता है, आप सभी को पता होगा। हीराकुंड यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगी, अलग से मेंशन करते हैं, दिखेगा आपको ओडिशा। सब चीज याद रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा बन जाता है मैच द फॉलोइंग में, कुछ थोड़ी सी चीजें एक दो ऑप्शन आपके चेंज किए जाएंगे, बट याद जब आप चार ऑप्शन याद कर लोगे ना, फिर कोई भी चेंजेस होगा तो आपको फिर वो कर ले जाओगे। इस तरीके जैसे यहाँ पर सॉल्व करने का तरीका हमने सीखा। तो बालको कहाँ पर है याद रखना है? कोरबा छत्तीसगढ़ में है, कोरबा छत्तीसगढ़ यहाँ पर मैंने ऑल्सो मेंशन कर दिया है। उसके बाद हिंडाल्को, हिंडाल्को रेणुकूट में है, रेणुकूट कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। इंडियन एल्यूमिनियम सी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंडियन एल्यूमिनियम इसका आंसर हो जाएगा हीराकुंड, हाँ सी का यहाँ पर हीराकुंड ओडिशा। तो ये सारी चीजें आपने यहाँ पर देख लिया। कोरापुट कंपनी है, ये भी याद रखना है। कोरापुट कंपनी कहाँ पर है? ये भी ओडिशा में ही स्थित है, ओडिशा। तो ये सारी चीजें अब हो सकता है आपके नेक्स्ट एग्जाम में ये सभी ना देकर आपसे राज्य का नाम पूछ देगा कि बालको कहां पर स्थित है। सीधे सीधे आपको छत्तीसगढ़, कोरबा, ये दोनों ही याद रखने की जरूरत है यहाँ पर। क्लियर है? सेवन का बी, एग्जैक्टली सेवन का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एट पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? आंसर कीजिए, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है भारत में स्थित? चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान? आंसर क्या होगा इसका, जल्दी से आंसर कीजिए। इसको शायद मैंने जीएस किसी में कराया था, मुझे याद आ रहा है, तो आपका क्वेश्चन यहां पर गलत नहीं होना चाहिए। ए बी सी डी राइट आंसर क्या होगा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में इसका गठन हुआ था। इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? हैली नेशनल पार्क, यानी हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से, राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते थे। क्लियर हो रहा है सारी चीजें यहां पर क्या हो गया? नेक्स्ट जो आठवां क्वेश्चन है, स्थापना 1936, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और वहां पर क्या हो जाएगा? हेलो नेशनल राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। पहले इसको इसका नामकरण पूछ देगा कि इसका नाम पहले क्या था, तो हेली नेशनल पार्क आपको याद रखना है, अब जिम कॉर्बेट हो गया है। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन कौन से हैं? भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में कितने शहर सम्मिलित हैं पूछ देगा। यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे कि पर्यटन त्रिभुज में कितने शहर सम्मिलित हैं, नंबर यहां पर पूछ रहा है, सम्मिलित शहर कौन से हैं। तो यहां पर शहर भी आपको त्रिभुज है, तो पहली चीज आपको याद रखना है कि शहर भी पूछेगा। त्रिभुज की संख्या तीन होगी, ऑब्वियसली बात है त्रिभुज है तो तीन ही होगा। तो यहां पर आपको यहां पर देखना है कि कौन कौन सा इसमें शामिल है। पिंकी बी होगा, किसका आंसर बी होगा पिंकी जी? एट का वन, नाइन का आप क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर मेंशन करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिससे मैं समझ पाऊं कि आप किसका आंसर दे रहे हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा? आगरा दिल्ली जयपुर, आगरा दिल्ली जयपुर, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नाइन का क्वेश्चन नंबर ए सही हो जाएगा। अब यहां पर देखो, पहले ऐसे आएगा जयपुर, थोड़ा सा लोकेशन आप देख लो, इसके ऊपर आप जाओगे नई दिल्ली, नई दिल्ली, और उसके बाद यहां पर आपको आ जाता है आगरा। ठीक है, तो आप जब इसको ऐसे मिलाते हो तो यहां पर एक जो त्रिभुज, एक जो सिंबल बनता है वो त्रिभुज के आकार का हो जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, नाइन का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है जयपुर इधर है यानी राजस्थान, नई दिल्ली उसके ऊपर जाते हो ना, जब आप इंडिया का मैप देखते हो तो कहां पर है? आगरा कहीं यूपी में है, तो यूपी यहां पे पड़ जाता है। आप यूपी के ऊपर जाते हो, यहां पर दिल्ली पड़ता है, आपको यहां पर राजस्थान पड़ता है ना, राजस्थान जयपुर। तो इस तरीके से आपको मिल जाता है यहां पर। आगे बढ़ेंगे, ए ऑप्शन नाइन का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टेन, भारत के पश्चिमी तट मैदान के उत्तरी भाग की
जिस अन्य नाम से जाना जाता है, उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है, किस नाम से जाना जाता है? भारत के पश्चिमी तट को। तो भारत का अगर हम ऐसे नक्शा थोड़ा सा यहां पर बनाएं तो ये इस तरीके से, अब आपको बनाने की, ये पश्चिमी तट हो गया और ये हो गया पूर्वी तट। पूर्वी तट यानी कि यहाँ पर बे ऑफ बंगाल हो जाएगा, बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे अरब सागर हो जाएगा, और नीचे आपका इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर। ये तीनों तरफ से प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण होता है। अब आपको पश्चिमी और पूर्वी घाट के बारे में नामकरण देखना होगा। तो यहां पर पूछा गया है क्या, क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा, पूछा गया उत्तरी भाग को किस नाम से अन्य जाना जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हो जाएगा कोंकण, यानी सबसे पहले यहाँ पर कोंकण क्षेत्र आता है। कोंकण क्षेत्र, अब ये देखो ऑप्शन में क्या दिया है, कोरोमंडल। तो कोरोमंडल आपका इधर वाला भाग हो जाता है, ये वाला भाग यानी पूर्वी भाग को कोरोमंडल, कोरोमंडल कहते हैं। ठीक है, पूर्वी भाग का जो दक्षिणी भाग है यानी दक्षिण पूर्वी, अब ये पूर्वी भाग को अगर दो भाग में बांटोगे तो ये दक्षिण हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इसका जो इधर वाला भाग है आंध्र प्रदेश से लेकर और यहाँ थोड़ा सा तमिलनाडु तक पूरा जो आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोरोमंडल बोलते हैं। और यहां वाले भाग को उत्तर मैदान के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रधान मैदान भी कहा जाता है, इस नाम से भी आप समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम इधर देख लेते हैं, कोंकण के बाद कन्नड़, और फिर यहां पर आ जाते हैं कन्नड़ क्षेत्र आ जाता है, उसके बाद यहां पर मालाबार आ जाता है, मालाबार। तो आपसे अगर ये पूछ देगा एग्जाम में कि जो पश्चिमी भाग है, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो कितने आएंगे, पश्चिमी भाग के उत्तरी भाग को क्या बोलते हैं, भारत के पश्चिमी क्षेत्र के उत्तरी भाग को क्या बोलते हैं, कोंकण बोलते हैं। भारत के पश्चिमी क्षेत्र के दक्षिणी भाग को क्या बोलते हैं, मालाबार बोलते हैं। पूर्वी भारत के पूर्वी भाग के दक्षिणी भाग को क्या बोलते हैं, पूर्वी के दक्षिण या दक्षिण पूर्वी भाग को कोरोमंडल बोलते हैं। उत्तर भारत के जो पूर्वी भाग है उसके जो ओडिशा के क्षेत्र है या ओडिशा की बाउंड्री या इस तरीके से पूछ दिया जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, उत्तर प्रधान मैदान के नाम से जानते हैं। क्लियर है, कंफ्यूजन आपको दो चीजों में होता है बार बार, जो मैंने ऑब्जर्व किया है अपनी क्लासेस में, कोरोमंडल और यहाँ पर कोंकण और मालाबार, तीन चीज आप याद रखोगे, आपसे तीन ही चीज बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कोरोमंडल पूर्वी भाग में आपको याद रखना है। क्लियर हो गया, ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे 11 नंबर। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रेट ऑक्साइड, नाइट्रेट अमोनिया, नाइट्राइड। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का, 11 का सही जवाब क्या होगा, सबसे पहले उत्कल तट। हाँ उत्कल, देखो उत्कल का मतलब ही होता है उड़ीसा का जो तटीय भाग है ना उसी को उत्कल बोलते हैं। आपने सुना होगा ना उत्कल बंग, जब आप जनगण मन गाते हैं तो उसमें उत्कल बंग का नाम जो आता है, तो उत्कल मतलब होता है उत्तरी भाग, या फिर हाँ उत्तरी सरकार भी बोलते हैं। बिल्कुल करेक्ट है अमित जी, सही बात है। जो आप पूर्वी भाग का जो उत्तर वाला भाग है ना, जैसे मैंने बताया नीचे वाले भाग को कोरोमंडल बोलते हैं, उत्तरी भाग को क्या बोलते हैं, वहां पर उत्तरी सरकार, उत्तरी प्रधान मैदान के नाम से भी जाना जाता है, और उत्कल क्योंकि वो उड़ीसा का पूरा बाउंड्री आता है इसलिए उसको उत्कल भी बोलते हैं। करेक्ट है आप बिल्कुल। 11 का बी, नाइट्रेट के रूप में, बिल्कुल। अब यहां पर पहली चीज देख लो, अब क्या चीज आएगा नाइट्रेट के रूप में, क्लियर है। नाइट्रेट क्या होता है, ऑक्सीजन O2 और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इन दोनों के जो संयोग हैं, इन दोनों के संयोग से क्या प्राप्त होता है, हमें नाइट्रेट प्राप्त होता है। दो चीजें हो गई, नाइट्रेट कैसे बनता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिलने से यानी उनके संयोग से नाइट्रेट प्राप्त होता है। नाइट्रोजन किसके लिए आवश्यक होता है, तो पौधे या वनस्पति के, पौधे या वनस्पति, वनस्पति के वृद्धि के लिए, ध्यान रखना है वृद्धि हेतु आवश्यक, आवश्यक होता है। क्लियर हो रहे हो, यहां पर क्या हो गया, नाइट्रेट के रूप में जो, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं वो होता है नाइट्रेट के रूप में। नाइट्रेट बनता कैसे, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिलने से नाइट्रेट का निर्माण होता है इनके संयोग से। और पौधे या वनस्पति के जब वृद्धि की बात हम करते हैं तो नाइट्रोजन से ही
पूछा जाता है एग्जाम में कि किस गैस से पौधों की वृद्धि होती है, किसके द्वारा, तो आपको नाइट्रोजन या नाइट्रेट वहां पे ऑप्शन में मिल सकता है। बिल्कुल करेक्ट है, 11 का बी ऑप्शन सही जा रहे हैं आप लोग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या होगा। बायोगैस संयंत्र की बात की जा रही है, से निकलने वाले निष्कासित यानी निकलने वाली कौन सी ऐसी ईंधन है, गैसीय ईंधन है जो गैस के रूप में उपयोग में आती है? ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन और एथेन। राइट आंसर क्या होगा? आंसर कीजिए, राइट आंसर क्या होगा? 12 का यहां पर जो सही जवाब होगा मीथेन। मीथेन क्या होता है, इसे मेनली यूज किया जाता है किसमें, जीवाश्म ईंधन के स्थान पर, जीवाश्म ईंधन के स्थान पर इसे उपयोग किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। क्लियर हो रहा है? मीथेन इज राइट आंसर। मीथेन क्या है, इसे जीवाश्म ईंधन के स्थान पर ऊर्जा प्रदान के लिए प्रयोग में लाया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। किसके लिए ला रहे हैं हम, ऊर्जा के उत्पादन के लिए, प्रयोग के लिए। निम्नलिखित तापमापियों में से किससे पायरोमीटर कहा जाता है? अब यहां पर देखिए पायरोमीटर क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पायरोमीटर के द्वारा किस चीज का नाप या मापन किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताना है। आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का बी, यानी विकिरण तापमापी। अब विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है, आपको याद रखना है। पायरोमीटर से हम बहुत, जब ज्यादा विकिरण होता है, ज्यादा सूर्य ताप होता है या ज्यादा तापमान को नापने हेतु इसका इस्तेमाल हम करते हैं। 13 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप सभी को पता है इसके जो पूर्व विकिरण होते हैं, जो उत्तर मापी होती है, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, जो मैक्सिमम यानी उच्चतम, या फिर कह सकते हो इस तरीके से भी लिख सकते हो कि अत्यधिक उच्च ताप को मापा जा सकता है किसके द्वारा, पायरोमीटर के द्वारा। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। अब आपको बताना है डायनेमो क्या है। डायनेमो एक युक्ति है, डायनेमो किसको परिवर्तित करती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, या फिर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, या फिर यांत्रिक को विद्युत में, यानी कि फिर से वही है मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, और लास्ट है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 14 का, तो यहाँ पे डायनोमीटर याद रखना है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जो डायमीटर है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, यानी पहले ये यंत्र होगा और इसके द्वारा ही किसी ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर पाएंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। वायु की गति, अब यहां पर याद रखना है वायु दाब नहीं है, वायु प्रेशर नहीं, एयर प्रेशर की बात नहीं की जा रही, वायु की गति की बात की जा रही है, उसकी स्पीड की बात की जा रही है। आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर जो सही जवाब होगा, वायु की गति की बात की जा रही है। देखो बैरोमीटर से क्या होता है, हवा की या फिर वायु की दाब को हम नापते हैं, इसके प्रेशर को, एयर के प्रेशर को नापते हैं, जिसे हम बैरोमीटर कहते हैं। एनीमोमीटर राइट आंसर हो जाएगा, वायु की गति नापते हैं इसे, वायु की गति किसके द्वारा नापा जाता है, तो ये एनीमोमीटर के द्वारा मापा जाता है। हाइड्रोमीटर क्या होता है,
हाइड्रो, हाइड्रो से मतलब हाइड्रोजन, आप ऐसे समझ सकते हो, हाइड्रो का मतलब हो गया यहां पर जल का जो घनत्व होता है, जल या उसके घनत्व, उसके डेंसिटी, घनत्व को नाप सकते हैं। क्लियर हो रहा है? जल या द्रव की बात अगर हम कर लें, द्रव में भी राइट हो जाएगा, द्रव के घनत्व को नाप सकते हैं। पिंकी 15 का ए नहीं होगा, 15 का ए देखो बैरोमीटर जो होता है ना, ये राइट आंसर होगा बी। क्यों होगा? क्योंकि वायु की गति की बात की जा रही है, गति मतलब उसकी स्पीड की बात की जा रही है कि वायु कितनी गति से आगे बढ़ रही है, यानी कि वो कितने घंटे में 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जा रही है। जो बैरोमीटर आप लोग बता रहे हो, बैरोमीटर से वायु की गति यानी कितना दबाव है वायु पे, उसका दाब क्या है, प्रेशर क्या है, जैसे आप खड़े हो तो आपके ऊपर कितना वायु का प्रेशर पड़ रहा है, उसकी बात हम करते हैं, तो वो एनीमोमीटर से नापी जाती है। हाइड्रोमीटर, हाइड्रो से मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मतलब जल, या फिर द्रव की बात कर लें, द्रव के घनत्व को नापा जाता है। क्लियर हो रहा है? कोई बात नहीं, आप क्लासेस करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें तो सभी सही होंगे, जबकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस अभी हम यहाँ पर प्रैक्टिस करा लें, धीरे धीरे टफ की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। मापन की सामान्य आंख, सॉरी मानव की सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मापी जाती है, मानी जाती है, यानी जो हम लोग देख पाते हैं स्पष्ट रूप से, मानव की आंख के सामान्य सामान्य आंख के लिए अस्पष्ट दूरी, अस्पष्ट दूरी की कोई वस्तु को हम कितने दूर रखें तो अस्पष्ट रूप से हम देख पाएंगे उसकी न्यूनतम दूरी कितनी होती है। आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 16 का, राइट आंसर क्या होगा? सो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी 25 सेंटीमीटर। अगर आप देखते होंगे 30 सेंटीमीटर का आपको स्केल होता है, जो बड़े वाले स्केल्स होते हैं, यानी कि आप जब भी पढ़ेंगे तो 30 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ही आप पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि आप 25 सेंटीमीटर तक की दूरी को आप स्पष्ट रूप से देख पाने में सक्षम होते हैं, यानी किताब को भी काफी दूर से नहीं पढ़ना चाहिए, लगभग 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से ही पढ़ना चाहिए, उससे ज्यादा दूर से नहीं पढ़ना चाहिए। 16 का सी नहीं होगा, 16 का यहां पर होता, देखो यहां पर अलग चीजें बोल रहे हो आप, 15 का सी कैसे हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर नहीं होगा, 25 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। पिंकी, अमित गुप्ता, सी नहीं, एक लोग सी कह दे रहे हो तो फिर सभी सी 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 आंसर दे रहे हो, सी नहीं होगा। 25 सेंटीमीटर की अस्पष्ट दूरी की बात की जा रही है, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की बात की जा रही है, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब हो गया कि 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में जो भी वस्तु आपके समक्ष रखी जाती है उसे आप स्पष्ट रूप से देख सकने में सक्षम होते हैं। क्लियर? डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे 17 पर, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। आंसर कीजिए क्या होगा, व्याख्या करता है, एक्सप्लेन द बिग बैंग, बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन द एमर्जेंस, क्या लिखा है, उद्भव की व्याख्या करता है। आंसर करिए स्तनधारी जीव, हिमयुग या फिर ब्रह्मांड, महासागर। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का, सही जवाब क्या होगा? कोई बात नहीं, यहां पर प्रैक्टिस करेंगे, यही जल्दीबाजी आपको एग्जाम में नहीं करना है, आपको गिल्ट फील नहीं होना चाहिए, आप बस गलतियां करो, यहां पर आप गलतियां करने के लिए फ्री हो, एग्जाम में बस ये गलती ना करना। सी ऑप्शन इसका क्लियर हो जाएगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए जो बिग बैंग सिद्धांत है वो किसके लिए है, ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स के लिए दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। महाविस्फोटक सिद्धांत भी इसको बोलते हैं, जो बिग बैंग सिद्धांत है, बिग बैंग, इसको महाविस्फोटक, आपसे एग्जाम में बिग बैंग ना पूछकर महाविस्फोटक सिद्धांत भी पूछ सकता है, तो इसलिए दोनों ही वर्ड्स आपको याद रखना है। महाविस्फोटक सिद्धांत के रूप में, जिसमें क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाशगंगा कैसे बने, आपके सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ, जो गैलेक्सी है वो किस तरीके की है, तो ये सारी चीजें इसी में, ब्रह्मांड के अंतर्गत सारे प्लैनेट्स, गैलेक्सी, तारे, सूर्य, चंद्रमा, जितनी भी चीजें हैं वो सभी इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो इसी का व्याख्या करने के लिए बिग बैंग सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी की बात की जाती है। 18 पे है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा,
यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। कब तक कार्यवाही नहीं की जाती? 10 दिनों तक, 14 दिनों तक, 15 दिनों तक या 16 दिनों तक? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बताना है आपको। अब यहां पर इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना आप लोग। क्या पूछे कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक, पहले से तो जो धन विधेयक है ना, यानी कि मनी बिल है, वो आपका लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है। पहली चीज आपको याद रखना। पूछ लेगा क्या इसे राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, यानी उसकी व्याख्या की जाती है धन विधेयक का, यानी लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जाती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 दिन तक। आप समझ लो, लोकसभा यानी संसद में दो सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। तो जो मनी बिल है, मनी बिल है वो क्या हो जाएगा, लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, पहली चीज। अब लोकसभा अपने यहां से पारित कर राज्यसभा के पास भेजेगी, राज्यसभा के पास 14 दिन तक का टाइम होगा। अगर 14 दिन में राज्यसभा उसकी सहमति देती है तो ठीक है, नहीं भी देती है तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी मनी बिल के संबंध में राज्यसभा के पास कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं होता है, ठीक है। आर्टिकल आपसे पूछेगा तो 109 के तहत, 109 का जो क्लॉज 1 है, इसके तहत क्या होता है कि अगर ये वापस कर भी देते हैं राज्यसभा लोकसभा को, तो इसे क्या हो जाएगा, पुनः इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, यानी ऐसा कुछ भी नहीं है कि दोबारा उसे इंट्रोड्यूस किया जाए। तो 109 के तहत आपको याद रखना है कि धन विधेयक को पुनः स्थापित नहीं किया जाता। जो इसकी पूरी वर्डिंग है वो ये है कि इसे पुनः स्थापित नहीं किया जाता, नहीं किया जाता। क्लियर हो गया? दो तीन चीजें आपको याद रखना है। पहली चीज कि लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा, राज्यसभा में नहीं होगा। दूसरी चीज, राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन का टाइम होता है। कहते ना, आपके पास सिर्फ 14 दिन की मोहलत है, आप चाहो तो इसे पारित कर दो, ना चाहो तो आप ऐसे रखे रहो, तो भी हम मान लेंगे कि पारित हो गया। तो ये इसके मामले में लोकसभा के पास ही इंट्रोड्यूस होता है, इसके पास ही पावर होता है 109 के तहत, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है अनुच्छेद 109 के क्लॉज 1 के तहत, ये पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता मनी बिल। क्लियर है? बिल्कुल सही है, वो हस्ताक्षर के बाद विधेयक कहलाता है, बिल कहलाता है, वो अलग बात है। ये मनी की बिल की बात की जा रही है, धन विधेयक की बात की जा रही है। आप विधेयक की डेफिनेशन दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। सरकारी आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति के मध्य संबंध हेतु, या विधायिका तथा कार्यपालिका के मध्य संबंध हेतु, केंद्र तथा राज्यों के मध्य, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के मध्य? आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या होगा? तो यहां पर याद रखना है कि जो सरकारी आयोग था ना, इसका पूरा नाम क्या था? न्यायमूर्ति एस आर सरकारिया। तो ये आपको सीधे सीधे याद रखना है कि सेंटर स्टेट रिलेशन से संबंधित है, यानी सी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सेंटर स्टेट रिलेशन यानी केंद्र राज्य जो संबंध है, जो रिलेशन है, इसके लिए कौन सा आयोग यानी कौन सी सिफारिश की गई? तो यहां पर सरकारी आयोग की सिफारिश करी गई थी। क्लियर है? इसका केंद्र राज्य संबंध सही आंसर हो जाएगा। कब किया गया था? तो 1983 में सिफारिश थी, 1983 में इस आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने जनवरी 1988 में यानी 83 में इन्होंने गठित हुआ, आयोग गठन यहां पर मेंशन कर देते हैं, और एग्जाम में पूछ देगा कि सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो गठन के 5 साल बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। अब उसमें इन्होंने बताया कि किस किस तरीके से जो स्टेट और जो सेंटर का है वो रिलेशंस होना चाहिए। क्लियर हुआ? 19 का सी, सभी ने सही जवाब दिया, 19 का सी करेक्ट है। नेक्स्ट है 20, राज्य वित्त आयोग है एक। अब यहां पर राज्य वित्त आयोग क्या है वो आपको बताना है। 21 का सही जवाब क्या होगा, सॉरी 20, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर। अब यहां पर देखो एक चीज है ना, विधिक संस्था, संवैधानिक संस्था, और यहां पर क्या है, संवैधानिक
असंवैधानिक और संवैधानिक संस्था। तो पहले समझ लो कि संवैधानिक संस्था क्या होती है। यहाँ पर जो संविधान में जिसकी व्याख्या की गई है, यानी किसी आर्टिकल के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू, अनुच्छेद के थ्रू उसमें मेंशन किया हो, उसे हम क्या बोलते हैं, संवैधानिक, यानी कि जिसके वर्णन संविधान में किया गया हो। असंवैधानिक का मतलब हो जाएगा जिसकी व्याख्या संविधान में नहीं हुई है। 1983, अच्छा 83 में देखो सरकारी आयोग का गठन हुआ था। जब 83 लिख रहे हो तो आप वहां पर सरकारी आयोग का गठन लिखो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। रिपोर्ट 5 साल बाद यानी 88 में उन्होंने प्रस्तुत की थी सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, राज्य वित्त आयोग, क्या पूछा गया क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग क्या है? तो ये क्या है, एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था क्यों है, क्योंकि इसका जो गठन है उसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 243 आई में, यानी 243 आई या फिर झ आपको हिंदी में मिलेगा, इसमें क्या हुआ है, मेंशन है अनुच्छेद 243 में राज्यों के वित्त आयोग के बारे में व्याख्या की गई है। और ये भी बताया गया है कि जो वित्त आयोग का गठन होगा वो 5 वर्ष के लिए गठित किया जाएगा, क्लियर। इसलिए ये क्या हो जाएगा, संवैधानिक। तो आपको आज के डेट में याद रखना है कि राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, क्लियर। आगे बढ़ेंगे 21 पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। निर्वाचन आयोग का आपको अनुच्छेद बताना है, यानी आर्टिकल बताना है कि किसमें निर्वाचन आयोग की बात की गई है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब क्या होगा, 21 का राइट आंसर बताना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 320 क्या है। तो 320 में लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग के, लोक सेवा पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे बोलते हैं, लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में यह बताता है, लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में बताता है आर्टिकल 320। तो फिर 322 क्या है, 322, ठीक है, 322 में क्या मिल रहा है। तो यहां पर जो लोक सेवा आयोग के कार्य तो 20 में हो गया, अब ये लोक सेवा आयोग के जो मेंबर होते हैं, जो लोग होते हैं, उनके व्यय की बात करता है कौन सा, संघ लोक सेवा आयोग। ये भी याद रखना है, व्यय की बात किसकी करता है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों यानी जो उसके मेंबर्स होते हैं उनका कितना वेतन भत्ता और कितने चीजें देनी चाहिए, वो सभी भारत के संचित निधि पर आधारित होती है। ये भी आपको याद रखना है, संघ या लोक सेवा आयोग के व्यय की बात करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 324 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग, तो निर्वाचन आयोग का 324 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, 326 की बात करें तो ये लोकसभा और राज्यसभा के जो विधानसभाएं हैं, राज्य की जो विधानसभाएं हैं इनके लिए निर्वाचन की जो एज है ना, जैसे वयस्क निर्वाचन पे आधार, वयस्कता के आधार पर निर्वाचन होना चाहिए, लोकसभा यानी संसद में लोकसभा की बात करता है और राज्यों में विधानसभाओं के जो निर्वाचन है उनकी व्याख्या करता है कि कितने वर्ष के लोग उसमें निर्वाचन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसकी बात की जाती है। वैश्विक मताधिकार, ठीक है, आगे बढ़ते हैं 22 पे। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी भी इसको माना जाता है, लेकिन बहुत लोग गलत करके आ जाते हैं आसान सी चीजों को भी। तो आपको याद रखना है, इसमें पंचायती राज की बात की जा रही है, तो यहां पर जो पार्ट है भाग नौ में यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। भाग नौ में क्या कहा गया है कि यहाँ पर पंचायती राज जो संस्था है, आर्टिकल आपसे पूछेगा तो यहाँ पर 73 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
यहाँ पे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन कब हुआ था, 1992 में इसको संशोधित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है 1992 द्वारा। अब कब से लागू हुआ, 93 से लागू हुआ, वो आपसे नहीं पूछते, 1992 ही पूछता है, 73rd है, आपको ये याद रखना। 74 आपसे पूछेगा नगर पालिका के लिए, ये आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23rd पे पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने के लिए, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए यानी डिसेंट्रलाइज के लिए, या फिर कृषकों को शिक्षित करने के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर आपको याद रखना है लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण की बात करता है, डिसेंट्रलाइज की बात करता है, लोकतंत्र की शक्तियां यानी जो लोकतंत्र जो डेमोक्रेटिक जो पावर है उसके क्या है, बी ऑप्शन है ना, टू डेमोक्रेटिक द पावर ऑफ डिसेंट्रलाइज द पावर ऑफ द डेमोक्रेसी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। 22 का ए, 23rd की बात करें, 23rd में क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन अमित जी बिल्कुल करेक्ट है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1959 से 2 अक्टूबर 1959 से नागौर राजस्थान से इसकी शुरुआत की गई, नागौर कहां पर है, राजस्थान से इसकी शुरुआत की गई थी, ये भी कभी कभी पूछ देता है कहां से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 पे, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्प किसे कहा जाता है, आचार्य नरेंद्र देव, जी वी के राव, वी आर मेहता, एल एम सिंधवी। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, क्वेश्चन नंबर पंचायती राज व्यवस्था का, देखो कई सारी चीजें यहां से पूछी जाती है, पंचायती राज व्यवस्था का शिल्प यानी किसने उसकी धारणा को प्रस्तुत किया की बात की जा रही है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा एक अलग हो जाएगा, जैसे यहां पर अगर सिंधवी समिति की बात करेंगे तो इन्होंने संवैधानिक संस्था की बात की कि इसे हमारे संविधान में मेंशन होना चाहिए, इसके लिए बहुत सारी कार्य प्रणाली की बात इन्होंने की थी सिंधवी समिति ने, तो वो एक अलग हो जाएगा। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, बी आर मेहता यानी कि बलवंत राय मेहता, बी आर मेहता, जिसे बी आर का मतलब कभी कभी बी आर न लिख के बलवंत राय मेहता मेहता की बात की जाती है। क्लियर है, बलवंत राय मेहता। ठीक है, एक इसमें सारा हमने किसी दिन सभी जो इंपॉर्टेंट लिस्ट है ना इनके, वो सभी आपको मैं बता दूंगी कौन से किसमें कौन सी बात कही गई थी, सिंधवी समिति में क्या बात कही गई थी, या फिर कौन सी समिति पहले आई थी, बलवंत राय मेहता, जीवीके राव समिति या सिंधवी समिति, इसका एक अलग से लिस्ट हम देख लेंगे, क्योंकि यहां पर देखेंगे काफी टाइम टेकिंग है, या फिर आप उसे डाउनलोड करके लिख भी सकते हैं नोट्स में। 24 है, सॉरी 25 की तरफ आगे बढ़ेंगे, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मसौदे के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे। अब देखिए, अभी फर्स्ट या सेकेंड क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि 85 के बाद से क्या हुआ था, जो नाम हो गया था MHRD मिनिस्ट्री हो गया था, फिर शिक्षा नीति कब आ गई, 2020 में आ गई। अब यहाँ पर शिक्षा नीति जो आई है नई वाली 2020 में, उसके जो अध्यक्ष रहे हैं, किसकी अध्यक्षता रही है, तो डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में इसकी सिफारिश की गई है। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कस्तूरी रंजन। 34 वर्ष पुरानी, जो पूछ देगा कितनी वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, तो 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1984 की बात यहां पर, सॉरी 1986 होगा और नहीं होगा 1986 में जो पहले ही शिक्षा नीति थी, यानी कि 34 साल पुराने शिक्षा नीति में परिवर्तन किया गया, और किसने किया था, कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में सिफारिश की गई थी। आगे के क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपके करंट के होंगे, जल्दी से आंसर करिएगा, करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे होंगे। तो हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने किन्हें नया निदेशक विदेश सचिव नियुक्त किया है, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहां पर विनय मोहन पात्रा जो राइट आंसर हो जाएगा, विनय मोहन, क्या हो रहा है ये, ठीक है,
हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने किन्हें नया विदेश सचिव नियुक्त किया? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो नया विदेश सचिव है वो विनय मोहन पात्रा जी हैं। अब ये पहले क्या थे, नेपाल के, नेपाल में इन्होंने अपना सेवा दिया था किसके रूप में, राजदूत के रूप में, यानी भारत के राजदूत के रूप में नेपाल में इन्होंने अपनी सेवा दी थी। अब ये क्या हो जाएंगे, अप्रैल के लास्ट में ये अपना पद छोड़ देंगे, यानी अप्रैल लास्ट में ये अपना पद विदेश सचिव के रूप में ग्रहण कर लेंगे। और किसको, ये भी पूछ देता है कि किसको रिप्लेस करेंगे, यानी किसके जगह पर ये आ रहे हैं। तो सचिव हर्षवर्धन इसके पहले जो थे, अभी जो है वो हर्षवर्धन के स्थान पर इनको ये क्या करेंगे, जो पात्रा जी हैं ये हर्षवर्धन को ही रिप्लेस करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि हर्षवर्धन अभी यहाँ पर मौजूद है और अप्रैल लास्ट में ये रिटायर्ड हो जाएंगे, ये हट जाएंगे और ये उसके जगह पर विनय मोहन पात्रा जी आ जाएंगे। क्लियर है? 26 का सी नहीं होगा, 26 का क्वेश्चन नंबर 26 का डी होगा। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में भारत के प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद किस देश की 3 दिवसीय यात्रा हेतु रवाना हुए हैं? कभी भी कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर किसी देश में जाते हैं तो वहां से घूम के तो वो लोग आते हैं, करंट अफेयर्स आप लोगों का बढ़ जाता है ना, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है किस देश में गए थे। तो यूरोप, यूरोपियन टूर करके आए हैं। तो यूरोप का कौन सा देश है आप देख पा रहे होंगे, यूरोप यानी कि नीदरलैंड, जो कहां पर है, यूरोपियन कंट्री है ये। यहाँ की मुद्रा कभी कभी पूछ ली जाएगी आपसे, तो यूरो होता है, यूरो आप देखे होंगे, यूरोप की जो मुद्रा होती है वो यूरो होती है। डीडीएलजी में आप सभी ने देखा होगा, जब काजोल यूरोप घूमने जाती है तो बहुत यूरो लेके जाती है ना, यूरो बोलती है, तो वो भी आपको याद रखना है, यूरो होता है, यूरोपियन मुद्रा। राजधानी क्या है, एम्स्टर्डम है, ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे 27-28 पे। हाल ही में किस राज्य में 13 नए जिलों का निर्माण प्रस्तावित कर राज्य के मानचित्र में परिवर्तन किया गया? मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये करंट अफेयर्स का। किस जिले में, किस राज्य में, यानी भारतीय राज्य की बात की जा रही है, उनके जो जिले हैं यानी उनका जो इंटरनल इंस्ट्रक्चर है उसमें नक्शे में परिवर्तन किया गया, यानी 13 नए जिलों का प्रस्ताव भेजा गया है। अब ये कौन सा है आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, आंध्र प्रदेश। अब जब ये 13 नए जिले बन जाएंगे तो एग्जाम में पूछ देगा कि टोटल कितने हो जाएंगे, तो जो टोटल जिलों की यानी डिस्ट्रिक्ट की जो संख्या हो जाएगी वो 26 हो जाएगी 13 इंक्लूड करने के बाद। क्लियर? अब यहाँ की राजधानी क्या है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, आपको ये भी याद रखना है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। और यहां पर क्या है इसकी सिफारिश, सॉरी इस यहां पर कुछ जो लेक्स है, कोलेरू और पुलकित लेक्स, आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील, कोलेरू, और बार बार पूछा जाता है एग्जाम में पुलकित झील कहां पर है, तो ये दोनों लेक आंध्र प्रदेश में है। क्लियर हो रहा है सारी चीजें? आगे बढ़ेंगे 29 पे। हाल ही में उत्तर प्रदेश के सीएम ने, यानी जो चीफ मिनिस्टर है, इन्होंने किस जिले से स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया? अब यहां पर देखो, किस जिले से स्कूल चलो अभियान जो है, अभियान है ये, उसका शुभारंभ किया? श्रावस्ती, महोबा, वाराणसी, गाजीपुर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। क्यों होगा? क्योंकि इसकी जो साक्षरता है वो उत्तर प्रदेश में सभी डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे कम है, सबसे कम यानी न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूछेगा कौन सा है, तो श्रावस्ती है। इसीलिए जो हमारे सीएम जी हैं वो यहीं से, इसी जगह से स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया है इन्होंने। क्लियर हो रहा है? तो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला यहाँ पर पूछ देगा, न्यूनतम साक्षरता कितना है, 46 पॉइंट कुछ है, यहाँ पर 46 आपको याद रखना है, 46.74 यहाँ पर क्या है, न्यूनतम साक्षरता है। तो अगर यहीं पे हम बात कर ले तो फिर अधिकतम साक्षरता वाला जिला कौन सा होगा, अधिकतम साक्षरता यूपी में अगर पूछ दिया जाए कि अधिकतम साक्षरता वाला जिला कौन सा होगा, तो आपको याद रखना है गौतम बुद्ध जीबीटी नगर, ठीक है? तो यहां पर आपको याद रखना है जीबीटी नगर या फिर गौतम बुद्ध नगर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आ जाते हैं। अब यहाँ पर दो चीजें हो गया कि 46.74 पूरा अगर यहाँ पे परसेंटेज लिख लेते हैं, परसेंटेज की जरूरत नहीं है, 46 भी आप याद रखते हैं तो भी काफी, 46.74 सबसे न्यूनतम है और सबसे अधिकतम कहां पर है, जीबीटी नगर पे है 80.12 वहां का साक्षरता, यानी सबसे भारत का सबसे साक्षर है। लास्ट आज का क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में कवाल उथली ऐप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कवाल उथली ऐप को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, तो यहां पर कवाल उथली उथवी जो ऐप है इसको तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स कभी कभी क्या हो जाता है ना कि ये जो क्वेश्चन है ये ना पूछकर क्या हो जाएगा, क्योंकि तमिलनाडु अभी चर्चा में आ गया किसके वजह से, कवाल उथली ऐप के वजह से, तो तमिलनाडु के कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज जो करंट में हुए होंगे वो भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तहत कि भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा कहां पर है, तो यहां पर लिख दे रहे हैं भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा जो प्लांट है वो कहां पर है, यहीं पर सौर ऊर्जा संयंत्र जो है जिसका नाम है थूथुकुड़ी ऊर्जा यंत्र, जिसका नाम क्या है थूथुकुड़ी, ये नाम है थूथुकुड़ी, वो कहां पर है तमिलनाडु में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है कि पहला वाला जो इंपॉर्टेंट है ये ना पूछकर जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी आपसे पूछा जा सकता है तमिलनाडु के बारे में। तो आज का ये 30 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। कल मिलते हैं आपसे, जो भी नोटिफिकेशन होगा, मे भी 8 बजे की क्लासेस होगी, अगर कुछ चेंज होता है तो 4 to 5 PM आप एक बार चेक कर सकते हैं, यही दो टाइम होगा जिसमें मेरी क्लासेस होंगी, या तो 4 to 5 PM या फिर 8 to 9 PM, तो ये दोनों ही टाइम आप एक बार चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।